हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। और मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मेरे द्वारा जो क्लास प्रारंभ की जा रही है, यह स्टैटिक जीके की क्लास है। इसमें मेरे द्वारा लगभग आपको 100 से अधिक टॉपिक कराए जाएंगे, जिसमें भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, डैम, नदी तंत्र, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, डांस, नृत्य, स्पोर्ट्स, हर टॉपिक पर आपको बताया जाएगा। यह बहुत छोटी छोटी वीडियो होंगी जो आप लगातार करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो शुरुआत में हम बात करते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास किस प्रकार हुआ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, आप इस टेबल से देख सकते हैं कि शुरुआत में हम बात करें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यह एक सबसे ऊंची बॉडी होती है किसी भी ऊर्जा संयंत्र के लिए। और हम बात करते हैं इसके बाद जो आता है एटॉमिक एजेंसी रेगुलेटरी बोर्ड, और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इसके अंदर जो काम करने वाली बॉडी है उसमें R&D ऑर्गेनाइजेशन है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे ब्राक, इंदिरा गांधी, ये सभी संस्थाएं, जैसे पब्लिक सेक्टर आप अंडरटेकिंग, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से संस्थाएं हैं, और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ हैं। और इन सब के बारे में हम बात करेंगे एक करके कि किस प्रकार से इन सब का रोल है हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में। सबसे पहले बात करें कि सर्वोच्च निकाय, जो यहाँ सर्वोच्च निकाय है वो है परमाणु ऊर्जा आयोग। और भारत में ऊर्जा के कामकाज को विनियमित करने के लिए परमाणु ऊर्जा बोर्ड को एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग आता है, उसके अंदर 6 संस्थाएं काम करती हैं, जिनमें अनुसंधान व विकास संगठन, और उसके बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU जो 5 संस्थाएं हैं, और साथ साथ 3 सहायक संस्थाएं होती हैं। इन सब के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार जो विकास हुआ था और विकास का प्रयास किसने किया था। तो शुरुआत में हम बात करते हैं अनुसंधान एवं विकास संस्थान की। तो शुरुआत में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बम्बई है, इसे का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान होमी जहांगीर भाभा का था। और होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1945 में बम्बई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। और इसके बाद राष्ट्र के लाभ के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तेज करने के लिए डॉक्टर भाभा ने भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना ट्रांबे बम्बई में की थी। और इन्हीं के नाम पर जब 1966 में होमी जहांगीर बाबा का जब निधन हो गया, तो उनके निधन के बाद इसका नाम ब्राक कर दिया गया। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे, और उनके निधन के बाद इसे 1966 में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। और 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, जिसे आप ट्रांबे मुंबई में, इसकी स्थापना की गई थी। और इसके द्वारा अगर हम बात करें कि इसके द्वारा बनाया गया पहला रिएक्टर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्राक के द्वारा बनाया गया अनुसंधान रिएक्टर, जो पहला रिएक्टर था उसका जो निर्माण हुआ था, वह निर्माण हुआ था, उसका नाम है अप्सरा। और उसका निर्माण हुआ था आपका 4 अगस्त 1956 में। यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और अगर हम बात करें कि इसे कब बंद कर दिया गया, तो इसे 2002 में अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। और यह एल्यूमिनियम या यूरेनियम के मिश्रण के इस्तेमाल से बनाया जाता था। इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद किस प्रकार का रिएक्टर बना। तो इस रिएक्टर में आपको पता होगा कि इसका दूसरा नाम अप्सरा यू नाम दिया गया है। पुराने अप्सरा की तुलना में यह दोहरी क्षमता वाला होता है। इसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम व थोरियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। अमेरिका जैसे कई विकसित देश स्टेज 3 की परमाणु भट्टी, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत अभी तक 2 चरणों में ही इसका प्रयोग कर पाया है। यानी आपको पता होगा कि जो आपको परमाणु रिएक्टर होते हैं, वे 3 स्टेज में काम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें आपको पता होगा पहले में यूरेनियम, दूसरे में आपका प्रयोग होता है प्लूटोनियम का, और फिर प्रयोग होता है थोरियम का। तो भारत अब तक केवल सिर्फ 2 चरणों पर ही काम कर पाया है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे रिएक्टर की। भारत का दूसरा जो परीक्षण रिएक्टर है उसका नाम है साइरस रिएक्टर। यह भारत में बनाया गया है और यह दूसरा परमाणु रिएक्टर है जो 1954 में कनाडा के द्वारा बनाया गया था और 1960 से इसे शुरू कर दिया गया था। विश्व के अधिकतर देश जो सबसे अधिक जो यूरेनियम पैदा करते हैं, इनमें प्रथम स्थान कजाकिस्तान, दूसरा स्थान कनाडा और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। पूरे विश्व में भारत में अधिकतम मात्रा में थोरियम पाया जाता है, यानी पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक थोरियम यहीं पाया जाता है। इस रिएक्टर की क्षमता 40,000 मेगावाट थी। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की आपूर्ति के लिए भारी जल, यानी ड्यूटेरियम का प्रयोग, D2O का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तीसरे रिएक्टर की, तो तीसरा रिएक्टर आपको पता होगा जर्लिना।
तीसरा रिएक्टर जो हमारा है उसका नाम है जर्लिना। अब इसके बारे में देखते हैं कि यह हमारा तीसरा शोध रिएक्टर है। यह स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। यह एक मॉड्यूलेटर और शीतलक, यानी एक मॉड्यूलेटर और शीतलक दोनों तौर प्रकार से काम करता है। यह अमेरिकी आपूर्ति वाले D2O का प्रयोग करता है। यहाँ अभी शीतलक और मॉड्यूलेटर के प्रयोग के साथ साथ यहाँ D2O का प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में 100 वाट नामक बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम छड़ों का प्रयोग जाली जाती है और रिएक्टर को 1983 में बंद कर दिया गया था। यह सुरक्षित नहीं था इसलिए से जल्द ही बंद कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं 1970 में बने अगले रिएक्टर के बारे में। इसका नाम ध्रुव है जो 1970 में बनाया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णिमा 1 की और पूर्णिमा। इन सब की आपको क्षण याद रखने में नहीं कौन सा रिएक्टर कब बनाया जा रहा है, तो आपको ध्रुव के बारे में पता होना चाहिए। पूर्णिमा फर्स्ट जो बनाया था कब, 1972 में। यह प्लूटोनियम ऑक्साइड के साथ ब्राग द्वारा निर्मित पहला प्रायोगिक तेज रिएक्टर था। उसके बाद पूर्णिमा 2 जो 1984 में बनाया गया था, और इसके बाद पूर्णिमा 3 जो 1990 में ब्राग द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें यूरेनियम 233 पर आधारित यह रिएक्टर था। अब बात करते हैं भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन के 3 चरण की। आखिरकार भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए 3 चरण कौन से किस प्रकार के हैं, तो हम पहले बात करते हैं कि प्रथम चरण। इसमें प्राकृतिक रूप से प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक यूरेनियम का, और भारी जल का प्रयोग किया जाता है, मॉड्यूलेटर का प्रयोग किया जाता है, और यूरेनियम में भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय चरण की बात करें तो इसे हम बोलते हैं, रिएक्टर को बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु ऊर्जा उत्पादन का दूसरा चरण है। यह पहले चरण से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, और इसमें यूरेनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप प्लूटोनियम कहते हैं, यानी इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। जबकि पहले चरण में हम ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरे चरण में हम प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में हम बात करते हैं, भारत अभी तीसरे चरण पर कार्यक्रम पर काम कर रहा है, और इसमें हम बात करें तो इसमें यूरेनियम 233 ईंधन का प्रयोग किया जाता है। भारत के विशाल भंडार यानी थोरियम का प्रयोग किया जाता है, और भारत में यूरेनियम 233 बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो तीसरे चरण के जो रिएक्टर होते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं यूरेनियम का, थोरियम का प्रयोग किया जाता है। ये आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनके बारे में सबके बारे में पता करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 92-235, एक होता है 92-238। जो 92-238 को 92-235 में इनरिच्ड यूरेनियम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। और इसमें किस प्रकार होता है, तो आपको पता होगा कि यह यूरेनियम 235 है, और इस पे एक न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। जब इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह बैरियम बैरियम और क्रिप्टन 2 में टूट जाता है, और इसके बाद 3 न्यूट्रॉनों में टूट जाता है और एनर्जी जनरेट होती है, जिससे एनर्जी निकलती है, और यह चयन श्रृंखला लगातार आगे चलती रहती है। इसी प्रकार यह न्यूट्रॉन फिर बमबारी करते हैं और यह श्रृंखला चलती रहती है। अगर यह श्रृंखला नियमित रूप से की जाए तो यह बिजली के निर्माण में काम आती है। अगर यह श्रृंखला अनियमित तौर पर की जाए तो यह परमाणु बम का काम करती है। जैसे अगर एक न्यूट्रॉन के बाद या 3 और 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, यह एक चयन श्रृंखला चलती रहती है, और क्रिप्टन और बेरियम में यह टूटता चल जाता है। और आपको साथ साथ पता होगा कि इससे बिजली और साथ साथ परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। यदि इसे नियंत्रित वे में किया जाए तो आप इससे बिजली बना सकते हैं, अगर इसे अनियंत्रित वे में किया जाए तो इससे परमाणु बम का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे जो संस्थान है हमारा, उसका नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और यह कल्पक्कम में है, और इसके द्वारा कामिनी पहला रिएक्टर बनाया गया था, जो कल्पक्कम तमिलनाडु में लगाया गया है, जो 30 मेगावाट का पहला न्यूट्रॉन स्रोत रिएक्टर है। यह रिएक्टर ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग करता है। यह यूरेनियम 233 को चरण 3 में जलाया जाता है, यानी इसमें यूरेनियम 233 को चरण 3 के रूप में भी जलाया जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरे रेगुलेटर बॉडी के बारे में, या रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर। यह इंदौर में स्थित है। अब इनके बारे में आपको सिर्फ हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे परवर्ती ऊर्जा साइक्लोन, अगर आप बात करते हैं परमाणु ऊर्जा अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय, इन सब के बारे में आप बस इतना याद रखें कि ये कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, कि यह किस प्रकार और कहाँ बनाया गया है। तो हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1987 में की गई थी। यह न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो भारत के अंदर एक ऐसी बॉडी है जो न्यूक्लियर पावर बनाने में
भारत के लिए काम करती है। और भारत में वर्तमान में 7 कार्यरत परमाणु संयंत्र हैं। कितने? 7। और कितने स्थानों पर हैं? 7 कार्यरत परमाणु संयंत्र हैं, जिनकी कुल 21 इकाई है, जिनकी कुल 21 इकाई है। भारत वर्तमान में केवल इन इकाइयों के साथ 7,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। यह भारत में कुल बिजली उत्पादन का मात्र केवल 3% है। वर्तमान में कोयले से उत्पादन बिजली का 60 से 65% तक होता है। भारत के लिए यह बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि भारत को जल्द ही अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर अधिक काम करना होगा। अब बात करते हैं कि भारत में इस समय कौन कौन से परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। तो हम बात करें तो आप पता होगा कुम्हरिया, आप हरियाणा में इस पर बात चल रही है अभी, इस क्यों नहीं बनाया गया है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, रायवर भाटा राजस्थान में, चुटका मध्य प्रदेश पर इस पर बात चल रही है, काकरापारा गुजरात में, हरिपुर पश्चिम बंगाल, तारापुर महाराष्ट्र में पावर प्लांट जो हाल ही में इसने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं, और कगे कर्नाटक में है, आपको पता होगा। और कगे कर्नाटक ने इस बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसने 941 दिन तक लगातार काम किया है, और यह एक रिकॉर्ड है। कुलपक्कम आपका तमिलनाडु में, आपको मद्रास में देखने को मिलेगा, इसे मद्रास परमाणु संयंत्र भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि मैप के माध्यम से कि कौन कौन से रिएक्टर कहाँ कहाँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नरोरा के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो संयंत्र है, मैंने आपको बताया कि 7 परमाणु रिएक्टर हैं अभी तक, लेकिन अगर इनकी इकाइयों की बात करें तो इकाइयों की संख्या इनकी 21 है। इकाइयां हैं कितनी? 21। तो जैसे कि नरोरा को देख सकते हैं आप, नरोरा उत्तर प्रदेश में 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर हैं, 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर हैं। अगर हम बात करें कि रावत भाटा में, रावत भाटा राजस्थान में, अगर हम बात करें काकरापारा राजस्थान में, तो काकरापारा गुजरात में, काकरापारा गुजरात में, तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र में, तो वहाँ 4 रिएक्टर हैं, एक 540 के 2 और 160 के 2। तो इस प्रकार आप सभी रिएक्टर के बारे में देख सकते हैं कि कौन सा रिएक्टर कहाँ है। जैतापुर महाराष्ट्र, ये अभी निर्माणाधीन है, जो आपको पता होगा जो आपके ब्लू कलर से बनाए गए हैं, ये अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। और इनमें आप देख सकते हैं कुनकुलम तमिलनाडु में है, कुनकुलम कलकपक्कम तमिलनाडु में है, कुनकुलम तमिलनाडु में है, और आपका केगा कर्नाटक में है, तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। और इसके बाद हम इस मैप में देखते हैं कि इस पर मैप में कौन कौन से पावर प्लांट कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार के रिएक्टर हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, चुटका मध्य प्रदेश, हरिपुर पश्चिम बंगाल। अभी जैसे कि ये रिएक्टर हैं, ये ब्लू नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये अभी निर्माणाधीन है, यानी ये भविष्य में बनाए जा रहे होंगे, इन पर काम चल रहा होगा। परंतु अभी वर्तमान में सिर्फ आपको याद रखना कि न्यूक्लियर रिएक्टरों की मात्र 21 इकाइयाँ ही हैं, जैसे रावत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश। और हम अब देखते हैं नीचे स्लाइड में, तो अब दिखाई देगा होगा आपको कल्पक्कम, कुंडकुलम, ये सभी रिएक्टर हैं। अन्य प्रस्तावित रिएक्टर, जो अन्य प्रस्तावित रिएक्टर हैं जो भविष्य में बनाए जाएंगे, उनका भी आप नाम याद रखें। हरिपुर आपको पता होगा अन्य प्रस्तावित कौन सा है, हरियाणा में गोरखपुर में, और राजस्थान के माही बांसवाड़ा में, राजस्थान के, गुजरात के छाया मिट्टी, और मध्य प्रदेश के भीमपुर चुटका में। अब बात करते हैं जिन देशों की मदद से भारत ने परमाणु रिएक्टर बनाए हैं। तो जिन देशों की मदद से भारत ने रिएक्टर बनाए हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो तारापुर पावर प्लांट जो लगाया गया था 1969 में, और यह 1959 होगा शायद, एक बार आप चेक कर सकते हैं, अगर 2019 में इसे 50 वर्ष हुए हैं, तो 1969 में तारापुर पावर प्लांट का निर्माण किया गया था, और यह अमेरिका की मदद से बनाया गया था। इसके बाद जैतापुर जो फ्रांस की मदद से बनाया जा रहा है, रावत भाटा कनाडा की मदद से बनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बात करें तो कौन कौन सी एजेंसी इसमें काम करती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो बनाई गई थी 29 जुलाई 1957 में, और इसका वियना हेडक्वार्टर है, आपको पता होना चाहिए, इसमें 170 देश हैं। अब हम बात करते हैं नई संस्था के बारे में, जिसका नाम है भाविनी। भाविनी की स्थापना हुई थी आपकी 2003 में, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। तो भावनी भी भारत में काम करती है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए, और अन्य बहुत सी चीज़ें भी यहाँ काम करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी जो अन्य औद्योगिक संस्थाएं हैं इनकी बात करें तो भावी जल विद्युत बोर्ड, और परमाणु ईंधन परिसर, और विकिरण आइसोटोप्स प्रौद्योगिकी, इनकी आपको स्थापना कहाँ है कहाँ नहीं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। अन्य संस्थान जो ये अन्य संस्थान है, इन्हें भी आप एक बार देख सकते हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर है, इनके बारे में चेक करना है आपको। अब हम बात करते हैं भारत में परमाणु हथियारों की परीक्षण सूची की। भारत में परमाणु हथियार किस प्रकार के हैं? तो हमने भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और स्माइलिंग बुद्धा हमारा पहला परमाणु परीक्षण है, जिसे पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है, और यह 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण था।
था जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ था। अब हम बात करते हैं दूसरे परमाणु परीक्षण की, जिसका नाम पोखरण द्वितीय था। यह 5 विस्फोट शामिल थे इसमें, और यह इसमें एक परमाणु संयंत्र यानी कि एक संलयन क्रिया पर था, जबकि शेष 4 विखंडन पर थे। जैसे कि आपको पता होगा, हाइड्रोजन बम संलयन क्रिया पर काम करता है, जबकि परमाणु बम विखंडन पर काम करता है। इसमें परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को शक्ति ऑपरेशन शक्ति के नाम से यह प्रोग्राम चला गया था। विखंडन के बारे में बताया गया है, विखंडन क्या होता है। विखंडन में आपको पता होगा कि परमाणु रिएक्टरों में विखंडन की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। इसमें कम तापमान यानी विखंडन करना आसान होता है, क्योंकि इसमें फ्यूजन की तुलना में कम तापमान होता है। अब फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में आपको पता होगा कि दो भारी नाभिकों को मिलाया जाता है हल्के नाभिक को, जैसे कि सूर्य। सूर्य जो काम करता है वह इसी प्रकार यानी संलयन की क्रिया पर काम करता है, और हाइड्रोजन बम भी संलयन की क्रिया पर ही काम करता है। अब हम बात करते हैं आगे कि ये तो आपको दिखाया गया होगा कि कहाँ कहाँ किस प्रकार की यूरेनियम्स माइंस हैं, कहाँ कहाँ यूरेनियम की माइंस पाई जाती हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक यूरेनियम्स जो पाया जाता है भारत में, उसके बारे में बात करते हैं। कुड़प्पा आपको दिखाई दे रहा होगा, और छत्तीसगढ़ में स्थान है, और आपको तेलंगाना में स्थान दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश में राजपुरा हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो जो स्थान दिए गए हैं, ये वे स्थान है जहाँ आपको यूरेनियम माइंस, यूरेनियम के सोर्स दिखाई देंगे। ये साफ साफ आपको यहाँ दिखाया गया है कि कौन कौन सा स्थान कहीं है। आंध्र प्रदेश में आपको कड़प्पा दिखाई देगा, तेलंगाना में, और आपको झारखंड में जादूगुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा अगर यूरेनियम की बात करें तो कड़प्पा नामक स्थान पर, और उसके बाद अगर आपको दिखे जादूगुड़ा भी एक अच्छी माइंस है। तो आप ये सब चीज़ स्थान आपको पता होना चाहिए किस स्थान पर क्या क्या माइंस पाए जाते हैं। अंत में हम बात करते हैं कि क्या ना किस प्रकार के परमाणु हथियारों को व्यापक संधि के लिए काम किया गया है। तो परमाणु हथियारों की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा, दुनिया के द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इसे रोकने के लिए एक संधि होती है, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो व्यापक परमाणु प्रतिबंध परीक्षण पर रोक लगाती है, और एक संधि होती है NPT, जो आपको परमाणु के प्रसार पर रोक लगाती है, परमाणु हथियार के प्रसार पर रोक लगाती है, NPT संधि और CTBT। परंतु भारत ने इन दोनों ही संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG के द्वारा साथ साथ छूट दी गई है। भारत NSG का मेंबर नहीं है, परंतु फिर भी भारत को इस मामले पर छूट दी गई है। तो आपको इन संधियों के बारे में पता होना चाहिए कि CTBT क्या है। तो CTBT आपको पता होगा कि यह परमाणु हथियारों को बैन करती है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि NPT क्या है, या परमाणु हथियारों के प्रसार को बैन करती है। और आपको NSG के बारे में पता होना चाहिए कि भारत NSG का मेंबर नहीं है, परंतु फिर भी भारत को NSG के माध्यम से छूट दी गई है कि भारत ऐसा व्यापार कर सकता है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक दें। अगर आपको क्लास पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कुछ कमी हो प्लीज़ मुझे एक बार बताएं कि क्लास आगे नए टॉपिक के साथ, नई क्लास, आज मेरी भी पहली क्लास थी, इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार क्या क्या चेंज आता है।